मैं धीरे धीरे बोलना पड़ता है यार, क्योंकि भाई किसी ने सुन लिया तो मैनेजर तक खबर पहुंच जाएगी। अब एक वो होता है ना स्पोर्ट्स, उसमें जैसे कैमरा आता है तो बियर पी रहे होते ना लोग, जैसे उन पर कैमरा आता है एक ही बारे में खत्म कर देते, तो मैं भी करता एक बारे में खत्म, उल्टी मत कर। जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ होता है, खेलते दोनों अच्छा है लेकिन भाई विराट थोड़ा ज़्यादा कंटिन्यू खेल जाता है, तो इसलिए रोहित शर्मा। भाई अभी हम जहाँ से जा रहे हैं ना, यहाँ पे ना हमारे भाई दोस्त की बंदी का घर है, तो अभी सीन क्या है हेलो गाइज वेलकम बैक इन टू अनदर ब्लॉग। तो भाई आज मेरे साथ ना भाई सदियों में, भाई काफ़ी सदियों में आज पहली बार हुआ होगा कि मैं मंडे को ना भाई टाइम से उठ गया। बाकी दिन क्या होता था कि भाई सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन बिल्कुल सुबह सो के, मतलब 4-5 बारी आँख खुल जा रही थी, लेकिन मंडे को मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा कि मैं मतलब भाई नींद पूरी होकर सुबह उठ गया हूँ तो टाइम से तैयार व्यार होकर भाई ऑफिस, हमेशा लेट ही उठ के वगैरह जाता था। मैं तरबूज और खरबूजा भाई दोनों साथ में खा रहा हूँ, लेकिन जो मेरा तरबूजा है वो थोड़ा कम मीठा है लाल वाला जो होता है, और जो खरबूजा हरा वाला जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा मीठा है। तो मैं दोनों एक ही प्लेट में रखे थे, तो मैं क्या मैंने ज़्यादा मीठा वाला खा लिया, तो खाया उसके बाद क्या हुआ कि भाई मेरे को लाल वाला मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा था। शुरू में मैंने खाया लाल वाला तो अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा मीठा वाला खा लिया तो कम मीठा वाला अच्छा ही नहीं लग रहा। तो इससे भाई एक सबक मैं मिलता है कि दोनों को अलग अलग खाना चाहिए, अगर कोई ज़्यादा मीठा वाला है तो उसको अलग खाना चाहिए, और कम मीठा वाला है उसको अलग खाना चाहिए, वरना वो टेस्ट में थोड़ी दिक्कत आ जाती है भाई। तो यही सीन है भाई, जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ होता है, खेलते दोनों अच्छा है लेकिन भाई विराट थोड़ा ज़्यादा कंटिन्यू खेल जाता है, तो इसलिए रोहित शर्मा। अभी मैं आपको आलसी लोगों की भाई एक मतलब फितरत के बारे में बताता हूँ, असल में सीन क्या है मेरे अंदर, तो भाई वो बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी पड़ी है। समझ क्या कि आलसी लोगों का भाई जब भी कुछ करने वरने का मन करता है ना, तो वो क्या करते हैं कि उस चीज़ को ले आते हैं, उससे रिलेटेड शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, रख लेते हैं, लेकिन वो चीज़ स्टार्टिंग में करते हैं एक दो बार और फिर वो चीज़ ऐसी रखी रहती है। तो ऐसे मेरे साथ भी वही हुआ था कि मेरे को एक बार मोटो व्लॉगिंग का शौक चढ़ा था कि चलो करते हैं, ऑफिस जाते रहते हैं तो बीच में शूट ही कर लेंगे। तो मैंने भी स्टार्टिंग में भाई खर्चा करा, हेलमेट ले आया महंगा वाला, उसके अंदर पूरी फिटिंग करी दोस्तों को जगा के रात को, और फिर एक तो शूट भी करा मैंने, लेकिन उसके बाद क्या वो चीज़ भाई ऐसी रखी रह गई, हेलमेट भी कहीं ऐसी दबा रह गया और धूल वूल में लग गया उसका, भाई सीन यही हुआ। लेकिन आज मैं सुबह जल्दी उठ गया, मैंने सोचा कि चलो भाई उसी को निकाल लेते, हेलमेट ढूंढते हैं उसको कहाँ पे है। तो मेरे को भाई ये फाइनली मिल तो गया है, लेकिन ये पूरा धूल धूल में हो रहा है, तो उसको भाई अभी थोड़ा साफ सूफ कर लेते हैं। अभी साफ तो हो गया ये, और एक और अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो मैंने माइक फिट करा था वो अब तक अपनी जगह पे एकदम सही है, काम भी ठीक ही कर रहा होगा। हेलमेट लोग इसलिए नहीं पहनते कि मतलब हवा पास नहीं होती है, मुंह पे हवा नहीं लगती, अंदर सफोकेशन टाइप्स हो जाता है, लेकिन ये हेलमेट मैंने इसलिए लिया है कि उसको मन करे पहनने का, क्योंकि इसके अंदर हवा जाने का भाई है। देखो आप इसे ऊपर खोल लोगे ना तो फिर ऐसा रहता है कि आंखों में धूल चली जाएगी, तो फिर दोबारा नीचे करो या उतार दो इसको, लेकिन इसके अंदर क्या एक चश्मे वाला सीन है इसको थोड़ा सा आँख भी ढक जाती है इससे, और यहाँ से हवा भी पास होती रहती है। भाई थोड़ा सा सीन हो गया, अभी मैंने इसमें माइक वगैरह फिट करा और देखा तो आवाज़ ही नहीं आ रही, फिर मैंने भाई देखा इसके अंदर एक सेल डलता है, पर ये से गलती से ओन छूट गया था, पिछले 2-3 महीने से ओन पड़ा था, तो अब इसका हो गया सेल डाउन। आज भी भाई अपना मोटो व्लॉगिंग का सेटअप तैयार नहीं हो पाया, उसकी सेल वगैरह का इशू हो गया, तो शाम को घड़ी वाले के पास जाऊँगा तो उससे करवाऊंगा भाई सेल वगैरह, क्योंकि छोटे सेल डलते हैं उसमें LR44 1.5 वाट के, पता नहीं ऐसे कुछ चल रहा था उस पर, तो डलता है। अभी मैंने काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया इसके चक्कर में, तो अभी भाई ऑफिस का टाइम ही होगा धीरे करके, तो अभी चलते हैं ऑफिस भाई पैक वगैरह करके। पर मन था मेरा काफ़ी व्लॉगिंग का, मोटो व्लॉगिंग वगैरह का, क्योंकि ऑफिस में तो क्या टाइम मिलता है, क्योंकि आजकल भाई काम दबा के दिए जा रहे हैं, और मैं भी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ कि इतना काम क्यों दे रहे हो मेरे को, क्योंकि अप्रेजल मन आ रहा है ना, तो ज़्यादा कुछ तुम बोल नहीं पाओगे भाई, तो इस टाइम भाई दबा के काम करना पड़ता है इन दिनों। भाई यहाँ पे ऑफिस में बैठे बैठे सुबह सो गई है शाम, काम इतना था भाई पता ही नहीं चला कब शाम हो गई है। मैं सुबह अनार वगैरह लाया था रख के, मैं खा ही नहीं पाया, अभी जब छुट्टी का टाइम हुआ अब निकाला मैंने खाने के लिए। मैं कुछ लोगों को ऑफर कर रहा हूँ लेकिन वो ले नहीं रहे, पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं। शाम हो गई है, नेक्स्ट का टाइम अनार नहीं खाओगे, ये हमारे बहुत हार्ड वर्किंग वाले सर शर्मा जाते हैं, शर्मीले हैं थोड़े से, शाही है। धीरे धीरे बोलना पड़ता है यार, क्योंकि भाई किसी ने सुन लिया तो मैनेजर तक खबर पहुंच जाएगी।
मेरी खबर हर कोई लेने के लिए तैयार बैठा है यहाँ पे, मौका देखते हैं लोग। हर कॉर्पोरेट में चापलूस होते हैं सचिन भाई, तो हमारे कॉर्पोरेट में भी चापलूस हैं। कौन लगता है आपको ऑफिस में चापलूस, मेरे को बता दो, वीडियो के थ्रू आप पहुंचा सकते हो उस तक। कुछ लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं शायद। नहीं, नहीं। आपका ब्लॉग जब लाइव होगा तो खुद ही समझ जाएंगे चापलूस। चोरी छुपे काम करना पड़ता है गाइस, वरना कैमरा चलाते हुए देख ले तो और नया काम पकड़ा दिया जाएगा आपको। माँ के पास सोफे पे मतलब थोड़ी देर के लिए लेट आई और मेरे को 5 मिनट में इतनी तगड़ी नींद आ गई ना भाई, अभी 1 घंटे तक क्या ही मस्त नैप लेकर आया हूँ मैं। लेकिन फिर खुल गई मेरी आँखें और मैं उठ भी गया, क्योंकि अभी सो गया मैं 7-8 बजे तो रात को फिर 3-4 बजे आँखें खुल जाएंगी। अभी भाई अरुण आया है अपना, इसके साथ जा रहे हैं, थोड़ा मोमोज वोमोज खिलाने जा रहे हैं मेरे को आज, तो लेट्स गो। मैं पीऊँगा जूस, मैंने थोड़ा हेल्थी डाइट की तरफ शिफ्ट कर दिया है हमेशा की तरह। भाई अभी हम जहाँ से जा रहे हैं ना, यहाँ पे ना हमारे भाई दोस्त की बंदी का घर है, तो अभी सीन क्या है कि अभी सीन क्या है कि उसका भाई नाम चिल्लाएगा, चल रही हो यार एक बार प्लीज गौरव को तो जानते नहीं है ना, उसका नाम नहीं ले सकते लड़की का, गौरव को तो जानते। मतलब भाई लड़की का क्यों नाम लेना पागल है क्या, तो नाम चिल्लाने की थोड़ी कह रहा भाई, लड़के का बोल रहा हूँ, लड़की का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए भाई, गंदी बात है। गाइस प्लान में थोड़ा चेंज आ गया है, असल में क्या है कि हम जैसे ही मोमोज वाले वहाँ के पास पहुँचे तो हमको याद आया कि आज सोमवार है, सोमवार को यहाँ पे मोमोज की मार्केट रहती क्रैश, क्योंकि जहाँ बाजार लगता है ना वहीं पे मोमोज लगता है। यार दो फेमस मोमोज वाले वो दोनों ही बंद रहते भाई आज के दिन, तो अब क्या खाना है तेरे को भाई। यहाँ दिल्ली NCR में आपको एक जगह ना मिले तो भाई दूसरी थोड़े मतलब थोड़ी दूर और आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर जाके अच्छे मोमोज मिल ही जाएंगे भाई। दिल्ली NCR में मतलब जगह जगह पे मोमोज के लिए फेमस है, तो जो हमारी रेगुलर दुकान थी वहाँ नहीं मिला, लेकिन एक नई दुकान पे गया और उसको भाई वहाँ के भी पसंद आ गए और वह खा के भी आया और एक भाई पैक भी करा लाया। इन्हें भी तू खाएगा ये घर के लिए, लेकिन हम पियेंगे जूस। क्या बोलते हो एक घुट में कर दूँ खत्म, जैसे वो होता है ना, अब एक वो होता है ना स्पोर्ट्स, उसमें जैसे कैमरा आता है तो बियर पी रहे होते हैं ना लोग, जैसे उन पर कैमरा आता है एक ही बारी में ख़त्म कर देते, मैं भी कर दूँ एक बारी में ख़त्म। उल्टी मत कर मूछ बन गई, ख़त्म तो कर दे लेकिन टेस्ट का नहीं पता चला, बनाने का बड़ा आसानी से नीचे जाएगा नहीं, लेकिन देखते हैं। बहुत चैलेंज खेल रहे थे ना आजकल, बहुत नींबू चैलेंज कर रहे थे, एक बार ही ख़त्म, तेरे को नहीं बोल रहे ख़त्म कर। क्या भाई क्या मज़े ले रहा है ये, अरे भैया तुमसे ना हो पाया ये भैया, हल्के में ले रहा है, ऐसे चैलेंज दिया करो लोगों को। ले ले खा ले पूरा, ले 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 खा ले, ले ले हाथ खा ले, खाया 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 खाया, हाथ 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 के शॉट खेलते रहता, हाथ के शॉट हाथ लाद दिखाई अपना, खवा दू आ जा गुन्नू तेरा खिलाऊंगा, आ जा ए आ जा पकड़ ले, चल ले आ पकड़े डाल दे चलियो के सामने, ओए खा जाएगा तेरे को, खवा दू। ध्यान से देखो भाई मेरी आंखों में, इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, दिखा कुछ दिखा नहीं, दिख रहा है। असल में क्या है ना भाई, मेरी इन आंखों में ना एक दिक्कत हो गई है, बहुत ही ज़्यादा आंखों में घुस गई है मेरी नींद, क्योंकि आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया था, तो इसलिए मेरे को बहुत बुरी तरह की नींद आ रही है, आँखें बिल्कुल भारी भारी हो गई है, तो मैं किसी भी पल भाई बस टपकने वाला हूँ, 1 से लेकर 10 तक गिनते गिनूँगा, और मेरे को लगता है कि मेरे को आ जाएगी नींद बहुत बुरी, क्योंकि बिल्कुल भाई ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी बोतल मैंने दारू वगैरह पी रखी है, बिल्कुल लेटने का ही मन कर रहा है। तो बस भाई आगे तो व्लॉगिंग मैं नहीं कर पाऊँगा, अभी मेरे को आ रही है बहुत बुरी नींद, तो लेते भाई आपसे अलविदा, मिलते आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, मिलते कल।